दिखाने के लिए, जैसे हाथी गंदन दिखाने खाने के और दिखाने के और, वैसे ये लोग दूसरे को दिखा रहे हैं कि हमारे उड़ीसा में ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, पर ग्राउंड रेट इज समथिंग डिफरेंट। यू गो टू द ग्रास रूट लेवल, यू विल सी व्हाट इज हियर। दे आर सेइंग दैट वी आर नंबर वन, बट दे आर नॉट नंबर वन, इट्स ऑल्सो पेड मीडियाज। बिना कुछ सैलरी, बिना कुछ तनख्वाह ना पाके भी हम लोग 2008 से अभी तक भी कोई भी पत्रांतर हम लोग नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ, बच्चों के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 490 दिन हो गए, हम लोग को कुछ भी पता नहीं सर। भगवान भी एक सहारा है हमारा, भगवान एक सहारा है, जो करेगा वो करेगा। और भी सर बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो उड़ीसा का गवर्नमेंट सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम, वो छुपा गया है। आपको थोड़ी जानकारी के लिए मैं बताऊंगा, बाहर दिखा रहे हैं, मीडिया में दिखा रहे हैं कि उड़ीसा में सब लोग खुश है। हमारा चीफ मिनिस्टर बोले आपण माने खुशी तो, आर यू हैप्पी? वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर सैलरी। हम भी तो महिला है, हम भी तो शिक्षा दान कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी अभी तक किए नहीं है। अगर करते होते तो 2008 से अभी तक हम लोग ग्रांटिनर क्यों नहीं पाए हैं? ये जो शिक्षक जाति को ये जो इतना नीचा दिखा रहे हैं, इससे क्या शिक्षा का मान रहेगा? हमारे देश के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपके उड़ीसा से हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, और यहाँ माना जाता है कि यहाँ कुछ अंदर खाने में, आज एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये पांडियन साहब बता रहे हैं कि नहीं, ये अफवाह फैलाई जा रही है कि भाजपा और बीजू जनता दल में कोई आपस में गठबंधन है। तो नहीं है तो उनको तो बोलना चाहिए कुछ, वो क्यों शांत है सर? कोरोना पीरियड में तो कितने हमारे दोस्त जान चले गए, लेकिन सैलरी नहीं मिला। अभी भी देखिए, अभी बहुत सारे स्टाफ से हमारा दोस्त है जिसने तो इतना बीमार हो गए, पैसा नहीं था उनके पास इलाज करने के लिए, उनका डेथ हो गया। जिसके अंदर जान नहीं है उसका डेवलपमेंट करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग तो भूखा पेट यहाँ मर रहे हैं, तो अभी जो इतना महंगा का जमाना आ गया है, हम लोग खाने के लिए एक भी दाना लाने के लिए हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। तो क्या आप लोगों को भी वो चावल 2 रुपए वाला और ये सब राशन आता है फ्री में? यहाँ हमको राशन कौन देगा? वो जो पंचायत में जो है वो बोल रहे हैं आप लोग तो नौकरी कर रहे हो, आपको कैसे मिलेगा राशन? नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। यह उड़ीसा में अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं, बाकी देश के उन राज्यों को बताने के लिए कि यह उड़ीसा का लोकतंत्र है, और लोकतंत्र ऐसा जहां लोग बैठकर धरने पर अपनी आवाज़ साफ सुथरे तरीके से सरकार को और हुक्मरानों को सुना सकते हैं। पब्लिक भी जानती है कि लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, लोग आते हैं और गुजर जाते हैं इनको ऐसे ही बैठे हुए छोड़कर, और शायद सरकार और हुक्मरान भी ऐसे ही गुजरना पसंद करते हैं इन धरनों के स्थलों पर, इनको ऐसे ही छोड़कर। या लोग ऐसे महकमे से आते हैं जिसकी ज़रूरत आज के उड़ीसा को ज़्यादा है, क्योंकि अगर उड़ीसा पढ़ लिख गया तो इसका मतलब है कि उड़ीसा वाकई अपने कलिंगा होने का गौरव और उत्कल होने का गौरव वापस ला पाएगा। उड़िया नॉन उड़िया की लड़ाई से अलग हटकर यह लड़ाई इनके अपनी अस्मिता की है, इनके अपने हक की है। तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर है क्या लड़ाई, यही देंगे परिचय और यही बताएंगे बाकी की पूरी दास्तान। सबसे पहले तो स्वागत है लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में। थैंक यू सर, नमस्कार। आपका नाम? सर मेरा नाम बनमाली दास है और मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, उड़ीसा स्टेट नॉन गवर्नमेंट लेक्चरर एंड एम्प्लॉइज एसोसिएशन खोर्धा डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर हूँ। यहाँ बैठे क्यों हैं? सर हम लोग यहाँ पे 490 दिन हो गया हम लोग यहाँ से बैठे हुए, और हमारा एक डिमांड है उड़ीसा गवर्नमेंट से कि हम लोग को ग्रांटिनर दे। मतलब कितने? 90 दिन? 490 दिन सर। 490 दिन yes, मतलब अगर 365 दिन का एक साल माने तो अब आप एक साल की पूरी सीमा क्रॉस कर चुके हैं। सर 490 दिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे शांति से बैठे हुए, और आप लोग को थोड़ा जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सर हम लोग जो काम करते हैं 2008 का बाद 2018 का बीच में हम लोग अपॉइंटमेंट मिला है, हम लोग को अपॉइंटमेंट मिला है, और वो फिर उड़ीसा का जो नॉन गवर्नमेंट एडेड एंड अन एडेड कॉलेजेस एंड हायर सेकेंडरी स्कूल में हम लोग
जो गवर्निंग बॉडी मैनेजमेंट जो कॉलेज का जो परिचालना कमेटी है उसका द्वारा हम लोग को अपॉइंटमेंट मिला है। और सर हम लोग हमारा स्टूडेंट के लिए जितना हो सकता है हम लोग काम करते हैं, लेकिन उस सेम कॉलेज में उड़ीसा गवर्नमेंट उनको 2008 तक ग्रांटिनेट दे चुका है, लेकिन हम लोग को 2008 का बाद बिल्कुल एक भी रुपया गवर्नमेंट से नहीं मिलता है। तो मतलब 5T नवीन उड़ीसा और 2008 से अब तक आपको आपका हक ना मिलना, कैसा लगता है सर? कैसा लगेगा सर, हम लोग को नहीं पता था कि एक गणतंत्रिक देश का एक राज्य है उड़ीसा, यहाँ पे ऐसा पॉलिसी चलेगा जो पॉलिस में जो आदमी शिक्षा देता है। सर आपको पता है टीचिंग इज दैट प्रोफेशन व्हिच टीचर्स द अनदर प्रोफेशन, एंड हम लोग वही प्रोफेशन को लेके हम लोग सोचा था कि बड़ा दुनिया बनाओगे, ठीक है ना सर? तो वो दुनिया बनाने के लिए हम जो सोचे थे वो सोचना अभी भी हम काम करते हैं, लेकिन हमारा पेट को खाना भी एक रुपया नहीं मिलता है वो फिर गवर्नमेंट का तरफ से। आपको पता है जो ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन में एक जो प्रिंसिपल है वो 2-3 लाख रुपया मिलता है उनको, और एक कैटेगरी एम्प्लॉय है वो स्टेट स्केल उनको भी 1.5-2 लाख रुपया मिलता है, वो भी सेम काम करते हैं, हम लोग भी सेम काम करते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है वो लोग को पैसा मिलता है हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, लेकिन काम ऐसा है वो लोग जो काम करते हैं हम लोग वही काम करते हैं, उनका क्वालिफिकेशन जो भी है हमारा क्वालिफिकेशन वो भी है। तो बड़ी बात है, संविधान बोलता है सबको बराबरी का हक मिले, और आप शिक्षा में एक ही छत के नीचे उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बराबरी ऐसी कि किसी को 1.5-2 लाख मिल रहा है और आपको सिर्फ बाबा जी का टुनटुना मिल रहा है। जी सर। सर और भी एक बात है सर, आपको पता होगा उड़ीसा जो गवर्नमेंट वही जो नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में SSB एस्टेब्लिश किया था, एक SSB जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उन्होंने लेक्चर को अपॉइंटमेंट कर रहा है कहाँ से ना 2016 का बाद। लेकिन सर यहाँ पे एक सोचने का बात है कि 2008 का बाद 2016 का बीच में पोस्टिंग क्या नहीं हुआ है, कॉलेज में सब्जेक्ट नहीं खुला हुआ है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा तो अभी पढ़ाई करने का बाद सर्विस ही उनको मिल गया है, लेकिन हम लोग जहाँ पे था वहाँ पे है। तो मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2008 से 16 जो ये 8 साल का सफ़र है, 8 साल में आप जैसे जितने लोगों ने शिक्षण शुरू किया होगा पढ़ाना बतौर शिक्षक, तो उनके हक की बात, और जिन लोगों ने 2016 से ज्वाइन किया है क्या सरकार उनको हर साल दे रही है क्या ग्रांट? नहीं नहीं सर, मैं पूरी डिटेल से कहना चाहता हूँ, 2008 तक सरकार ग्रांट दे चुका है कॉलेज को, जो भी बंदा वहाँ पे मतलब अपॉइंटमेंट पाया है वो ग्रांट मिल गया है उनको, ठीक है ना? 2008 का बाद अभी तक किसी को भी ग्रांट नहीं मिला हुआ है, चाहे 8 वाले हो चाहे 16 वाले। 16 वाला है अभी तक, हम लोग अभी तक भी काम कर रहे हैं ना, हम लोग कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अब 490 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो पढ़ा के आते होंगे, बैठते होंगे, जाते होंगे, कोई यहाँ भी आता है आपको सुनने? सर हम लोग हमारा प्रिंसिपल से शुरू करके हमारा राज्यपाल, गवर्नर, हमारा डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, हमारा डिपार्टमेंट का डायरेक्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर को, तमाम प्रतिनिधि को हम बार बार हमारा ग्रीवांश दे चुके हैं, लेकिन कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट का तरफ हमारा फेवर में नहीं आया है। जितने पेपर आपने दिए, आपने तो कागज हर दफ्तर पहुंचाए होंगे, उधर से कोई कागज आया कभी? नहीं सर, ओनली हम लोगों को बुलवाए थे कि डिस्कशन करने के लिए, हमारा जो IMC इंटर मिनिस्ट्रल कमेटी परमिशन हुआ है उनको, उन्होंने हमको बुलाया था, हमारा साथ डिस्कशन कर लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि खूब जल्दी आपका डिसीजन लिया जाएगा, आपका फेवर में लिया जाएगा। ये डिस्कशन कब हुआ था सर? वो डिसीजन हो गई 3 महीने हो गई, और ऐसे भी सर बार बार डिस्कशन हो चुका है लेकिन रिजल्ट कभी नहीं आया है। मतलब आखिरी आपका डिस्कशन 3 महीने पहले हुआ? नहीं, नवंबर में हुआ था सर। जी नवंबर में हुआ था। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया, तो खूब जल्दी में इतना समय लग जाता सर? 490 दिन हो गए, हम लोग को कुछ भी पता नहीं सर,
भगवान भी एक सहारा है हमारा, भगवान एक सहारा है, जो करेगा वो करेगा। और भी सर बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो उड़ीसा का गवर्नमेंट सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम, वो छुपा गया है। आपको थोड़ी जानकारी के लिए मैं बताऊँगा, हमारा जो कॉलेज है, कॉलेज में उड़ीसा गवर्नमेंट SSB 2016 में पोस्टिंग किया है। और किसका पोस्ट में पोस्टिंग किया है सर, जो 2008 का पहले जो DP पोस्ट था, जिसको गवर्नमेंट ग्रांटेड दिया था, वो उनका वैकेंसी में SSB द्वारा पोस्टिंग किया जा रहा है। इसका खेल क्या है फिर सर? खेल ऐसा है कि जो नया सब्जेक्ट खुला, नया लेक्चरर अपॉइंट जिसको मिला, वो लोग कैसे ग्रांट नहीं पा सकते, इनका मजबूरी हुआ है। वो वही चाहते हैं कि वो लोग बिना पैसा में खटे, हम लोग उड़ीसा का बाहबा ले कि हम लोग ऐसा इतना स्टूडेंट बनवाया, हमारा इतना स्टूडेंट सर्विस मिला उनको, उड़ीसा का एजुकेशन डेवलप हो रहा है। लेकिन जो बंदा एजुकेशन को डेवलप कर रहा है, उनका पेट को एक भी रुपया नहीं मिलता है सर। तो कुछ अधिकारी होंगे जो आप लोगों से पढ़ के गए होंगे। जी सर। आज अधिकारी बने होंगे। जी सर। तो कभी वो आए यहाँ पर खड़े होकर के, या उनसे बोलेंगे कि तुमने पढ़ा है, गुरु दक्षिणा के रूप में 2 मिनट यहाँ बैठ के कम से कम सरकार की तरफ से? सर, हमारा जो स्टूडेंट है वो तो हमारा तो भाभा रिसर्च में एक साइंटिस्ट भी हो चुके हैं। बहुत सारा स्टूडेंट है सर, बहुत बड़ा बड़ा पदाधिकारी में वो, उनको बहुत अच्छा अच्छा नौकरी मिल गया है। लेकिन सर, वो लोग सिर्फ हमको देखते हैं, कहते हैं सर हमको दुख लग रहा है। लेकिन वो क्या कर सकते हैं सर, जब हमारा डिपार्टमेंट हमारा बात नहीं सुनता है, तो वो तो बाहर का बंदा है, वो हमारा लिए क्या करेंगे सर? एक बड़ा सवाल है, हमारे देश के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपके उड़ीसा से हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, और यहाँ माना जाता है कि यहाँ कुछ अंदर खाने में, आज एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये पांडियन साहब बता रहे हैं कि नहीं, ये अफवाह फैलाई जा रही है कि भाजपा और बीजू जनता दल में कोई आपस में गठबंधन है। तो नहीं है तो उनको तो बोलना चाहिए कुछ, वो क्यों शांत है? सर, आप देखिए, डेमोक्रेसी में जब अपोनेंट पार्टी और रूलिंग पार्टी जब टुगेदर हो जाएंगे, तो वहाँ पे जनता को बेनिफिट नहीं होगा। आपको पता है डेमोक्रेसी में ओपोनेंट्स रहना चाहिए, लेकिन यहाँ का जो ओपोनेंट्स है वो खेल खेलती हैं। वो चाहते हैं केंद्र में हम बेनिफिट लें, वो चाहते हैं हम राज्य में बेनिफिट लें, इसलिए उनका गठबंधन का बात हो रहा था। लेकिन अभी हम देखते हैं, मतलब मीडिया से जान को मिलता है कि गठबंधन नहीं होगा शायद। गठबंधन तो मतलब कहते हैं भीतर खाने होता है, खुले तौर पर तो गठबंधन कभी सर देखिए सर, हम लोग शिक्षक समाज का है, हम लोग इतना ओपनली राजनीतिकरण को हम लोग नहीं पसंद करेंगे। लेकिन एक बात है सर, हमारा एक दाबी है, अनुदान दाबी है, ग्रांटी ने हम लोग 15 साल 20 साल हम लोग फ्री में काम कर चुके हैं, हम लोग को अभी ग्रांट चाहिए, इतना ही है सर। तो सरकार से क्या बोलेंगे, चुनाव आने वाले हैं, सीधे शब्दों में शिक्षकों की बात, जो आप यहाँ बैठे हैं, एक लाइन में ऐसा क्या बोलना चाहेंगे कि उनको समझ में आए कि यह बीजू पटनायक साहब का उड़ीसा है? जी सर। जो लोगों को खुश देखना चाहते थे, हमारे नवीन पटनायक जी भी तो बोलते ही हैं ना कि जी सर, सब मानो खुश वाली है, तो सब खुश हैं कि नहीं है, तो आपके उड़िया में अच्छा बोलते होंगे, क्या बोलते हैं मैं नहीं समझ पाता, तो क्या खुश हैं सब? खुश होने के लिए क्या आप बोलेंगे कि नवीन पटनायक जी करें उसको? नहीं, हम लोग सर इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है, वो देश में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर का रूप में वो अवार्ड भी उनको मिल चुका है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वही जो एक नंबर को मेंटेन करने के लिए, वो जो उड़ीसा स्टेट नॉन गवर्नमेंट लेक्चरर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन को उनका जो डिमांड है, एक ही डिमांड है, उनको तुरंत ग्रांटिनेट दीजिए, इतना ही सर। ये बड़ी बात है, क्योंकि माना जाता है कि उड़ीसा महिला सशक्तिकरण का, वुमेन एम्पावरमेंट का सीधा नाम है, जहां महिलाओं के लिए बहुत कुछ योजनाएं सरकार ने की है, और एक महिला साथी यहां बैठी हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि महिलाओं के लिए कितना अधिकार उड़ीसा सरकार दे रही है, और बतौर शिक्षक ग्रांट में कितना दे रही है? देखिए, महिला के लिए तो सरकार जो बोल रही है कि एक नंबर है, हम भी तो महिला है, हम भी तो शिक्षा दान कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी अभी तक किए नहीं है। अगर करते होते तो 2008 से अभी तक हम लोग ग्रांटिनर क्यों नहीं पाए हैं? ये जो शिक्षक जाति को ये जो इतना नीचा दिखा रहे हैं, इससे क्या शिक्षा का मान रहेगा?
बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ हम लोग भी महिला है, हम लोग भी हमारे बच्चे लोग को, हमारे घर ससुर को छोड़ के आके राज रास्ता में, आज के दिन में अगर देखेंगे तो 490 दिन हो गया। उसी बीच में कोरोना भी गया है, उसी बीच में बहुत कुछ हुआ है। हमारा टेंट को भी उठा दिया गया था और फिर हम लोग को अरेस्ट भी किए थे। हम लोग यहाँ पे गांधी जी का देश है, हम लोग यहाँ सारे नियमों को हम लोग अच्छी तरह से पालन किए हैं। हमारा जो आंदोलन था, हम सारे आंदोलन भी कर चुके हैं और नीचे से लेके ऊपर तक सारे अधिकारियों को हमारा प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बता चुके हैं। फिर भी गवर्नमेंट का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, हमारे लिए कोई भी एक्शन कुछ भी नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से हम लोग आज फिर अभी भी जारी रहा है हमारा आंदोलन, अभी भी हम लोग राजरास्ता में हैं। फिर आगे देखेंगे तो महिला का सशक्तिकरण के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो हम भी एक महिला हैं। आप दिखे अभी आपके जरिया में हम दिखा रहे हैं, हमें अभी तक एक भी रुपया नहीं मिला है। हमारा जो संगठन है, हमारा जो अनुष्ठान है, वही अनुष्ठान में एक हमारा साथी भरा पेट खा रहा है और हम लोग भूखा पेट सो रहे हैं। ये बड़ी बात है कि भूखा पेट और भरा पेट। और अभी दो दिन पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, पूरे उड़ीसा राज्य में भी अलग अलग संगठनों ने मनाया होगा, सांसद विधायक जो महिला होंगी उन्होंने भी मनाया होगा। तो कोई आया महिला आयोग की तरफ से, कोई आया हो कि महिलाएं भी यहाँ बैठी हैं? नहीं नहीं, हमारे पास कोई नहीं आए हैं। ये अगर सही ढंग से हम बताएंगे तो शिक्षा को एकदम से दबा दिया गया है, लेकिन शिक्षक का जो मान था अभी वो कुछ भी नहीं है। हमारे पास हम लोग तो गुरु दिवस को भी कला दिवस के रूप में मान चुके हैं, क्योंकि दिन था तब गुरु को पूजा किया जा रहा था। अब शिक्षक को कोई मान मर्यादा नहीं है। हमारा जो हम पढ़ाए हुए हमारा जो छात्राएँ हैं वो लोग कभी अच्छे अच्छे पदवी में वो लोग नौकरी कर चुके हैं, लेकिन वो भी कुछ नियमों में बंधे हुए हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट के नियमों से बंधे हुए हैं। इच्छा ना होने के कारण भी हमारे कुछ छात्र भी हम लोग को अरेस्ट करके लेकर जा रहे थे, रो रहे थे, फिर भी मजबूर होकर हमको लेके जा रहे थे। ये भी गवर्नमेंट का किस प्रकार का शासन है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गणतंत्र का राष्ट्र है, हम लोग का पेट भूखा है, यहाँ पे लोकतंत्र का कुछ भी मतलब नहीं है। यहाँ पे तो सच्चा चरित्र में बदल गया है। और अगर ऐसा होता तो आप एक बार सोचिए, बिना कुछ सैलरी, बिना कुछ तनख्वाह ना पाके भी हम लोग 2008 से अभी तक भी कोई भी पत्रांतर हम लोग नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, बच्चों के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे वो लोग पढ़ा रहे हैं वैसे भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ भी हम लोग फर्क नहीं देखते हैं कि हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है, हम क्यों पढ़ाएंगे। तो अगर कुछ भी हमको नहीं दिया जा रहा है तो फिर क्यों हम गवर्नमेंट का काम करेंगे, ऐसा कभी भी हम नहीं सोचते हैं। हम लोग शिक्षक थे, हमारा मानवीयता है, हम लोग का अंदर एक हृदय है जो हम सबको, किसी के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जो अच्छी तरह से हमारा जिम्मेदारी निभा रहे हैं, गवर्नमेंट जो भी काम दे रहा है हमको, हम सब कुछ कर रहे हैं उसी के साथ। ये जो स्ट्राइक आप देख रहे हैं 490 दिन है, ऐसे हम सब लोग यहाँ बैठे नहीं है, हम छुट्टी लेके आते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग रोटेशन करते हैं, फिर कंटिन्यू स्टडी भी कंटिन्यू होता है, हम लोग टीचिंग भी सही ढंग से कर रहे हैं और फिर यहाँ हमारा जो हक है उसको जाहिर करने के लिए यहाँ भी कुछ हमारे दोस्त बैठे रहते हैं। और फिर ये जो महिलाओं के लिए जो बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे थे अभी 8 मार्च को जो महिला दिवस था, कोई एक भी अधिकारी हमारे पास नहीं आए थे। जबकि आप देखिए, अभी देखे तो सोशल मीडिया इतना आगे गया है, हम लोग सोचे कि अगर फिजिकली हम लोग उन लोग को भेट नहीं पाएंगे तो फिर हम ट्विटर के माध्यम से हम उनके पास हमारा जो प्रॉब्लम है उनको मालूम करना चाहते थे। इसी वजह से हम लोग हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेके हमारा चीफ मिनिस्टर तक जितने भी अधिकारी है सबको हम लोग ट्विटर के माध्यम से हमारा दाबी को उन लोग के पास पहुंचा दिए हैं। फिर जितना ग्रीवांस हम डाले हैं, शायद कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट, आप देखिए इतना ग्रीवांस कभी भी नहीं गया हुआ। पर डे हम लोग
2,000-3,000 ऐसे ग्रीवांस डालते हैं, हमारा प्रॉब्लम को उन लोग के पास पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन लोग का कोई भी एक्शन नहीं है इसके बाद। आप देखिए, और कुछ ही दिन बचा है कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के लिए, लेकिन अभी तक हम लोग का ये जो दर्द है, हम लोग जो शिक्षक जाती है जैसे रो रहे हैं, आंसू तो नहीं है, खून निकल रहा है आँख से, क्योंकि हमारे ऊपर भी कितना फैमिली डिपेंडेड है, हमारा बच्चे लोग हमारे सैलरी के ऊपर डिपेंडेड है, हमारा भी माँ बाप है, उन लोग का देखभाल कैसे करेंगे, हम लोग को बच्चे लोग को खाना अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। और वो जो अभी बोल रहे हैं ब्लेजर पहन के आए, ऐसे जो सिस्टम बनाए हैं, हम तो खाने के लिए कुछ नहीं पा रहे हैं, फिर ब्लेजर साड़ी ये सब मेंटेन हम कैसे करेंगे। शिक्षा का मान, स्मार्ट रूम, स्मार्ट कॉलेज, 5T, आप जो अभी बोल रहे थे 5T, तो इतना जो फॉर्मेशन सब बोल रहे हैं, इतना जो डेवलपमेंट किए हैं ऐसा बोल रहे हैं, जिसके अंदर जान नहीं है उसका डेवलपमेंट करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग तो भूखा पेट यहाँ मर रहे हैं, तो अभी जो इतना महंगा का ज़माना आ गया है, हम लोग खाने के लिए एक भी दाना लाने के लिए हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। तो क्या आप लोगों को भी वो चावल 2 रुपए वाला और ये सब राशन आता है फ्री में? नहीं, हमको राशन कौन देगा? और वो जो पंचायत में जो है वो बोल रहे हैं आप लोग तो नौकरी कर रहे हो, आपको कैसे मिलेगा राशन? हम लोग को राशन नहीं मिल रहा है। और सैलरी आती है कभी महीने में? कभी नहीं, नहीं, नहीं। हम लोग को तो मैनेजमेंट दे रहा है ना, सैलरी कैसे सही ढंग से आएगा? इच्छा होता है तो कभी देता है, तो इच्छा नहीं होता तो नहीं देता है, ये तो डिपेंड करता है बच्चे लोग का एडमिशन के ऊपर। फिर जो मैनेजमेंट है वो अपने हिसाब से देते हैं ना, ऐसे तो नहीं है कि हर महीना दे हर महीना नहीं दे। कोरोना पीरियड में तो कितने हमारे दोस्त जान चले गए, लेकिन सैलरी नहीं मिला। अभी भी देखिए, अभी बहुत सारे स्टाफ से हमारा दोस्त है जिसने इतना बीमार हो गए, पैसा नहीं था उनके पास इलाज करने के लिए, उनका डेथ हो गया। इससे जो मैनेजमेंट है, ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी देता होगा महीने में? साल में कितने दिन में सैलरी दे देता है? एक आध बार महीने में देता है क्या? देखिए, जैसे हमारे हाथ में 5 अंगूठा है वो तो समान नहीं है, तो ऐसे एरिया के वाइज कॉलेज भी डिफरेंट डिफरेंट है, मैनेजमेंट भी डिफरेंट है, सभी कॉलेज समान नहीं है। जैसे कि आप देखिए 488 और 662, ये सब जो कैटेगरी है इनमें से छोटा छोटा कॉलेज है 662, जहाँ पे बिल्कुल भी गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय नहीं है, वहाँ वो बिल्कुल गवर्नमेंट पोस्टिंग नहीं दे पाएगा। वो छोटा छोटा गांव में छोटा छोटा कॉलेज है, वहाँ पे मैनेजमेंट कम सैलरी देता है, जैसे कि 1,000-2,000 ऐसे देता है, कभी कभी दे भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी सैलरी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो तो छोटा कॉलेज है और कुछ लोग का डेडिकेशन की वजह से वो कॉलेज खुला है, आसपास के बच्चे लोग पढ़ाई कर सके, अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके, इसी वजह से वो सब कॉलेज खुला हुआ है। फिर हम लोग को सैलरी सही ढंग से नहीं मिल रहा है। अब एक बड़ा सवाल है कि जो मास्टर होते हैं अक्सर सरकार जितनी योजनाएं होती हैं उनसे गाँव देहात में पहुँचाते हैं, चाहे वो जनसंख्या योजना आयोग की अपनी योजनाएं हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, तो आप लोगों को मिलती है ड्यूटी? जी सर, हाँ हाँ, ड्यूटी में हम लोग को तो उसमें कभी भी हम लोग को नहीं छोड़ते हैं, गवर्नमेंट का सारा ड्यूटी हम लोग करते हैं। आप इलेक्शन के इलेक्शन को लेके आप जो भी काम देखिए, स्कूल कॉलेज हो, जो भी स्टाफ हो, वो उस टाइम में वो नहीं देखते हैं कि ये एडेड है या नहीं एडेड है, या गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है, वो उस टाइम पे कुछ नहीं देखते। उसका पैसा देते हैं क्या? हाँ, उसका पैसा ड्यूटी वाला देते हैं? नहीं देते, नहीं नहीं। अभी तो रिसेंटली आया है इलेक्शन का ड्यूटी का, रिसेंटली आया है, तभी तो वो लोग नहीं देख रहे हैं कि ये लोग नॉन गवर्नमेंट है या अनएडेड है, ऐसे नहीं। हम गवर्नमेंट से पैसा नहीं, बिना पारिश्रमिक के हम सारा काम मुफ्त में करेंगे, और गवर्नमेंट उसका बाबा लेगा, जितना सा स्कीम है, जितना सब कुछ है, बोटिंगरा बढ़ेगा कि हम ऐसा स्कीम दे दिया है, ये दे दे। एक बार पूछिए, वो शिक्षा जो दान कर रहे हैं, वो जो छोटा छोटा कॉलेज हो, छोटा छोटा स्कूल हो, वो शिक्षक जात ने क्या गुण क्या है उन लोग का, तो जो अपराध किया है जिसकी वजह से उन लोग को सैलरी नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो शिक्षा दान में कोई भी कमी नहीं छोड़े हैं। ये बड़ी बात है, कहते हैं कि गुरु, मतलब वैसे भी कहा है कि भूखे भजन न होए गोपाला, तो जगन्नाथ की भूमि पर ऐसे अध्यापक, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सब समाज को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो लगता क्या है कि ऐसी संख्या कितने अध्यापकों की होगी पूरे प्रदेश में?
पूरे प्रदेश में तकरीबन 5,000 से ज़्यादा हो गए। एक्चुअली पहले मैं ये बताना चाहता हूँ एक्चुअल डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या होता है। हर एक स्टेट में एक लोकतंत्र होता है, यहाँ भी कहने को लोकतंत्र है पर लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पे राजतंत्र चल रहा है, तानाशाही चल रहा है। यहाँ पे बाहर दिखा रहे हैं, मीडिया में दिखा रहे हैं कि उड़ीसा में सब लोग खुश है। हमारा चीफ मिनिस्टर बोला है अपन माने खुशी तो, आर यू हैप्पी? वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर सैलरी। मुद्दा यह है कि हर एक स्टेट में दो टाइप के कॉलेजेस होते हैं, यहाँ पे 3-4 टाइप के कॉलेजेस है। एक होता है जो स्टेट द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ है, स्टेट द्वारा बनाया हुआ है, वो गवर्नमेंट कॉलेज होता है। जब ये स्टेट बना था 1947 के बाद, सरकार पर इतना पैसा नहीं था कि वो हर जिला में हर सूबा में एक तो कॉलेज खोल सके या फिर हाई स्कूल खोल सके, हायर सेकेंडरी स्कूल खोल सके। तब वो जाके डिफरेंट जो आदमी है, जमींदार है, उन सब लोगों को सरकार ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं हर एक जिला में हर एक सूबा में एक तो कॉलेज खोल सकूं। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास ज़मीन है, तो आप एक काम कीजिए, कुछ डोनेशन दीजिए, आप एक कॉलेज खोलिए, मैं उसको बाद में अगर मेरे पास पैसा होगा, वो जो पोस्ट होगा, वो जो जो नौकरी पे होंगे, मैं उनको कुछ सालाना देता रहूँगा। उसको गारंटी नेट बोलते हैं कि अगर आप जमींदार है, आपका ज़मीन है, आप मेरे नाम कीजिए या फिर सरकार का डोनेट कीजिए, या फिर आप कॉलेज खोलिए, वो कॉलेज अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे, अपनी पत्नी के नाम की, आपकी माँ जी पिताजी के नाम पे खोलिए, बाद में जब मेरे पास पैसा होगा मैं उसके अपने अंडर ले लूँगा। और जो एम्प्लॉयज होंगे, हालांकि वो मेरे द्वारा अपॉइंटमेंट नहीं किया हुआ है, वो एक गवर्निंग बॉडी बनाया जाएगा, वो गवर्निंग बॉडी के जो चीफ हो गए, वो गवर्निंग बॉडी को वो जो मैनेज करेंगे, वो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, या फिर सब कलेक्टर होगा, या फिर लोकल एमएलए होगा, वो लोग मैनेज करेंगे। उन्हीं के द्वारा जो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो लोग अपॉइंट किए जाएंगे, वो लोग एम्प्लॉइज किए जाएंगे। मैं ग्रांटिंग एड के हिसाब से कुछ सैलरी रिलीज करूँगा, ताकि वो जो पोस्ट इनिशियली जो बनाया गया था वो लोग मेरे अंडर हो जाएगा। ये डिफरेंस है कि ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका जो भी बिल्डिंग होगा, लैंड होगा, सब मेरे द्वारा प्रदान किया गया है। वो जो प्राइवेट कॉलेज है जिनको ग्रांटी नेट दिया गया, वो किसी का डोनेशन के हिसाब से बनाया गया। तो ट्रस्ट, आपको ये मालूम होगा कि दूसरे जगह जैसे ट्रस्ट हॉस्पिटल खोलती है, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, बड़े हॉस्पिटल खोलती है, कॉलेजेस खोलती है, तो उनका फुल कंट्रोल होता है। तो यहाँ भी क्या होता है, जो कॉलेज के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज, उसका 100% कंट्रोल रहता है सरकार के ऊपर, वो सरकारी कॉलेज या राजकीय कॉलेज बोला जाता है राजकीय। और ये जो प्राइवेट एडेड कॉलेज है, उनको ग्रांटी नेट मिलता है। ग्रांटी नेट क्या होता है कि आपको कॉलेज पहले, ठीक है, आपने इन्वेस्ट किए, पैसे दिए, आप चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो कॉलेज खुल गया। 10 साल के बाद सरकार शायद सोचती है कि नहीं है, ये कॉलेज तो अच्छा कॉलेज चल रहा है, और यहाँ पे जो बच्चे, अपनी ही बच्चे तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो इनिशियली जो अपॉइंटमेंट किए गए थे, उन लोगों को मैं अपने अंदर ले लूँगा, तो उनको सैलरी ना देकर ग्रांटी नेट दूंगा। वो जो ग्रांटी नेट होता है ना, वो ग्रांटी नेट के हिसाब से ये जो पोस्ट होता है, तो पहला पोस्ट या सेकेंड पोस्ट होता है, वो जो उसमें जो भी कंसर्न लेक्चरर्स होता है या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ से होता है, वो लोग क्या होता है, उनको सैलरी दिया जाता है कि आपको सपोज अपने कॉलेज के हिसाब से 5 लाख चाहिए, ठीक है, मैं आपको ले 3 लाख दे रहा हूँ, आप इस 3 लाख पे अपने कॉलेज को मैनेज कीजिए, जो भी स्टाफ सब लोग हैं उनमें आप मिल बैठ कर लीजिए, तो उसको वो बोलते हैं कि ये ग्रांट है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट के पास वो ग्रांटियर सरकार से आता हो और फिर बढ़ता ना हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी ग्रांटियर आता है सब लोग को मालूम होता है। तो सरकार ने पिछला जो ग्रांटी नेट आपको 2008 तक रिलीज किया है, 2008 के बाद वो कॉलेजेस में जो भी अपॉइंटेड किए गए थे वो लोग रिटायरमेंट ले गए, तो कॉलेज कैसे चलेगा, डायरेक्ट पोस्टिंग तो नहीं होता। तो मैनेजमेंट क्या हुआ, गवर्नमेंट के परमिशंस लेकर 2008 के बाद वो धीरे धीरे, एक आदमी रिटायर हो गया, उसके बदले में कोई सरकार से कोई पोस्ट अप्रूवल नहीं हुआ, तो जो भी लोग 2008 के बाद 2018 अभी तक भी लोग काम कर रहे हैं, वो जो पोस्ट जो खाली हुआ उसी के बदले में एक तो अपॉइंटमेंट दिया हुआ। उनसे बोला गया था कि ठीक है, आप अभी ज्वाइन कीजिए कॉलेज में, अपना काम कीजिए, जो सरकार है आपकी बात सुनेगी, आपको वो ग्रांटी नेट देगी। पर 2000 वो 5 साल के अंदर, ये नियम था 1969 का, एक तो नियम था जिसी के नियम के अधीन सब लोग, सब कॉलेज मैनेजर्स होते हैं, जो लोग आदमी या कोई
औरत भी है अगर अपॉइंटेड हुआ है पर्टिकुलर पोस्ट में, 5 साल के अंदर सरकार का ये नियम था उनको ग्रांटेड देने का, यानी अगर कोई 2008 में पोस्टिंग हुआ है तो 2013 तक उसको मिल जाना चाहिए, 2013 में जो पोस्टिंग हुआ है वो 2018 के तक मिल जाना चाहिए, 18 का अगर कोई है तो 2023, तो तकरीबन 15 साल हो गया कोई भी कुछ भी एक भी सालाना रुपया नहीं आया। वो पोस्ट को सरकार ने अभी बोल रहा है कि हम लोग आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिया है, आप हमारे अंदर नहीं आते, हम आपके बात नहीं सुनेंगे। ये क्या लोकतंत्र है? नहीं, ये तानाशाही चल रहा है। तो जब पहले बोला था कि आप लोग रख लीजिए पढ़ा लीजिए, सरकार ने लिखित में दिया होगा कुछ? ये तो प्रोसीजर है 1969 से यही हुआ है, जो 1969 के अनुसार जो 70 में जो पोस्टिंग किए थे वो लोग 75 तक हो गया, अप टू 1998 भी पोस्टिंग हुआ था। बीच में क्या हुआ, थोड़ा इनका आर्थिक हालत इतना अच्छा नहीं रहा, तो जो लोन लिए थे DFID ने इनको मना किया था कि आप पोस्टिंग मत करो, तो अगर पोस्टिंग नहीं करोगे तो कॉलेज में बच्चे पढ़ेंगे कैसे, कॉलेज चलेगा कैसे? तो मैनेजमेंट ने जब उनसे बात की थी, ठीक है हम करेंगे, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम वर्ल्ड बैंक से लोन लिए, तो क्या हुआ, ठीक है हम आपके बात पर विचार करेंगे, हमारे पास पैसा आ जाने दीजिए, अगर पैसा आ गया फिर नीयत बदल गई। नहीं तो अब लोन वोन खत्म हो गया, सरकार के पास पैसा आ गया है? अभी तो बोला कि हम लोग तो सरप्लस है, हमारे पास डेफिसिट बजट नहीं है, तभी हम लोन लिए थे, अभी हमारे पास सफिशिएंट पैसा है, फिर हम लोग को सैलरी क्यों नहीं देते, हम लोग को ग्रांटेड क्यों नहीं देते? नहीं तो बस अड्डे बन रहे हैं, कॉरिडोर बन रहा है, मंदिर बन रहा है, सब कुछ रोजी रोजी पिक्चर है, पिक्चर इज क्वाइट रोजी, मैं दिखाने के लिए जैसे हाथी गंदन दिखाने खाने के और दिखाने के और वैसे ही ये लोग दूसरे को दिखा रहे हैं कि हमारे उड़ीसा में ये सब डेवलपमेंट हो रहा है, पर ग्राउंड रेट इज समथिंग डिफरेंट, यू गो टू द ग्रास रूट लेवल यू विल सी व्हाट इज हियर, दे आर सेइंग दैट वी आर नंबर वन बट दे आर नॉट नंबर वन, इट्स ऑल्सो पेड मीडिया, we are telling that, yeah, that's true, you can go to any level, you can go to grassroots level, you will see the condition of normal people, local people. एक एक बड़ी बात आपने पेड मीडिया वर्ड बोली, मीडिया में हम लोग भी आते हैं, हमारे यहाँ के साथी भी मीडिया वाले लोग होंगे, मतलब मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, तो मीडिया आपकी बात को कितना तवज्जो दे रहा है यहाँ पर? नहीं, मीडिया हमारे बात को तवज्जो दे रहे हैं, वो लोग हमारे साथ है, दे आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट्स वाई दे आर कमिंग टू अस, द 490 डेज has been past year, we are sitting here every day, media people are coming, they yahan pe aa rahe, hum log se baat chit kar rahe, hamari jo bhi mange hai wo sarkar tak pahunch rahe, par sarkar ye hai ki aise hai wo kumbhakarna ki nidra mein soye hue, hum log 490 days ho gaya phir bhi koi nahi, sirf ek hi baat wo bole, aap log ke baat jo hum log sun rahe vichar kar rahe par result kuch nahi aa raha hai। नहीं तो अब चूंकि चुनाव के बाद हो सकता है, इस बार तो बजट अब डेफिसिट नहीं रहा, अगली बार तो और ताकत के साथ आएंगे, तब तक विकसित उड़िया हो चुका होगा, तब हो सकता है कि आपके लिए कुछ करें 24 में। देखिए 2008 से 2024 हो गया, अभी तक हम लोग बैठे हैं तकरीबन 500 दिन होने को है, कुछ नहीं हुआ, हम सबको भेज चुके हैं, सबको एप्लीकेशन दे चुके, कितने भी रिमाइंडर दे चुके हैं, सब लोग राज्यपाल तक गए हैं, चीफ मिनिस्टर का ग्रीवेंस गए, पर ग्रीवेंस का कोई असर ही नहीं है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर तक गए हैं, सेक्रेटरी लेवल गए हैं, हर एक लोकल MLA तक गए हैं, क्योंकि बोल MLA जो अपनी गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, उन्हें भी हम लोग कॉलेज लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में सब तक हम अपने आवाज़ पहुँचाएँ, फिर भी कोई भी रिजल्ट नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप धरने पे बैठे हैं, आपका MLA इस समय वोट मांग रहा होगा, ठीक है, तो गिनती में जाहिर सी बात है कि एक विधानसभा में मास्टरों की संख्या 8, 10, 20, 40, 50, 100 होती होगी, जितने स्कूल होते होंगे उतनी होगी, तो उनके लिए क्या 100 लोग और उनके परिवार मायने रखते हैं, या आप लोगों से आपके जो बच्चे कनेक्टेड हैं उनको समझ में आ रहा है कि आपको क्या हक नहीं मिला है, उसके हक में बच्चे भी खड़े हों? कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे अपने गुरुजी के लिए आके खड़े हुए हैं? देखिए अभी ऐसा ग्राउंड रियलिटी है कि हम लोग जब कोई भूखा पेट काम नहीं करना चाहता, हम लोग काम करें इसी आशा में कि हमारा भी हो जाएगा, हम लोग भी सालाना सैलरी मिलेगा, बच्चे जो है उनको थोड़ी ना मालूम है ये मैडम 2 लाख पा रही है, सी बिलोंग्स टू ए सेपरेट थिंग, दिस सर इज गेटिंग 1 लाख एंड अबव, ही बिलोंग्स टू सेपरेट क्राइटेरिया, एंड वी आर द लिस्ट कैटेगरी कम टू, बिकॉज हम लोग मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जब चाहे निकाल सकता है, क्योंकि अब लोग जब तक हमको ग्रांट नहीं मिलता हम गवर्नमेंट के फोल्ड में नहीं आएंगे, गवर्नमेंट के फोल्ड में नहीं आएंगे तो हमारी बात कोई नहीं मानेगा, बच्चे लोग उनको थोड़ी ना मालूम होता है ये सर जो हमको पढ़ा रहे हैं वो 2000-5000 में काम कर रहे हैं,
उनके लिए आप तो सार है। अभी सबको मालूम है गुरु एक महान लोक होता है, गुरु जो गुरु भाई टीचर होता है वो भूखा पेट भी पढ़ा सकता है, फिर भी वो नहीं किसी को बताएगा कि मुझे सैलरी नहीं मिला। ये तो गुरु के साथ एक तरीके से नाइंसाफी है, पक्का नाइंसाफी है। ये बड़ी बात है, राजतंत्र लोकतंत्र और बढ़ते हुए उड़ीसा के अपने अलग अलग पैमाने को हम चाहे जितना भी दिखाएं, इसका असर इसके होने का मतलब तभी समझ में आता है जब इनकी आवाज़ मुख्यमंत्री जी के कान में जाए और वाकई यह भी बोल सकें कि हाँ हम खुश हैं क्योंकि हमारी ग्रांट या सैलरी मिल रही है। 15 साल बिना तनख्वाह के लड़ाई लड़ने वाले यह शिक्षावीर है। अग्निवीर योजना जैसी कोई योजना तो नहीं है, लेकिन यह शिक्षावीर इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने समाज को बिना लाग लपेट के पढ़ाने का काम किया है। अगर उड़ीसा नंबर वन है तो उस नंबर वन में इनके पढ़ाए लिखाए हुए वो अधिकारी ज़रूर होंगे जिन्होंने नंबर एक वाले कागज़ पर कुछ चिट्ठी पत्री तैयार की होगी। ऐसे अधिकारियों से, ऐसे बच्चों से जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कम से कम वो अपने प्रबंधन से पूछें कि हमारे कौन से गुरुजी बिना सैलरी वाले हैं और कौन से गुरुजी मोटी सैलरी वाले हैं, तो उनको भी पता चलेगा कि हल्की सैलरी और मोटी सैलरी में उनके कौन से गुरुजी वाले ज़्यादा पढ़ा रहे हैं और कौन से कम पढ़ा रहे हैं। क्षेत्रीय प्रतिनिधि, मंत्री, मुख्यमंत्री, इन सबसे अलग हटकर यह हक समाज की लड़ाई का हो सकता है। सरकारें सुनती हैं, कितनी जल्दी सुनती हैं यह वक्त बताता है, लेकिन यह 490 दिन गुजार चुके हैं, ना जाने और कितने दिन गुजरेंगे, लेकिन चुनाव मुहाने पर है और लगता है कि जब चुनाव आते हैं तो ऐसे आंदोलन ज़्यादा उग्र रूप लेते हैं, लेकिन यह कलिंगा और उत्कल का अपना प्रदेश है जहाँ माना जाता है कि अशोक ने भी आकर के शांति ले ली थी। जगन्नाथ की भूमि है, जगन्नाथ की कृपा जग पर है, लेकिन यह भी सच्ची है कि जगन्नाथ के नाम पर एक मुट्ठी चावल भी यही मांगा जाता है। दुनिया को खाना खिलाने वाले जगन्नाथ को आज एक मुट्ठी चावल की अगर ज़रूरत है तो हमारी राजनीतिक सोच की ज़रूरत है। राजनीतिक बदलाव की शायद यह कड़ी इन शिक्षकों को इनका हक देने के साथ सरकार दे सकती है, अगर नहीं देती है तो यह शायद बीजू पटनायक जी के उड़ीसा के लिए एक बदनुमा दाग साबित हो सकता है। देखते रहिए, जुड़े रहिए लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज, दिल्ली तक।